नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से। आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। पशुपालक साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक 5 गायों का डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो उसमें कितना खर्च आएगा तथा कितनी लागत आएगी, सारी जानकारी इस वीडियो में बात करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पशुपालक साथियों, अगर आप भी एक डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि हम डेयरी फार्म अगर लगाएंगे तो उसमें कौन कौन से खर्चे होंगे तथा कितना खर्चा होगा। अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो, अगर गायों का डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो या फिर भैंसों का करना चाहते हो, तो कुछ मेजर खर्च होते हैं, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले एक तो आपको जो फिक्स कॉस्ट लगेगी उसमें आपको सबसे पहले तो शेड बनाना होगा। शेड बनाने का खर्चा आएगा। शेड बनाने के बाद में आप जो पशु लाओगे उन पशुओं में खर्चा आएगा। उसके बाद में आपको सूखे चारे की व्यवस्था पहले करनी है, क्योंकि सूखा चारा आपको पहले स्टोर करना है पशु लाने से पहले, और वो एक साल का पहले स्टोर करना पड़ता है ताकि बाद में दिक्कत ना आए तथा बाद में सूखा चारा महंगा हो जाता है। इसलिए सूखे चारे का स्टोर कर ले हुए और अपने खेत पर हरा चारा पहले से लगा ले हुए ताकि हरे चारे की आपको दिक्कत ना आए। तो इन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कर ले हुए और पशुओं के आहार के लिए फीड की व्यवस्था कर ले हुए। फीड में आप रनिंग कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि फीड आप मंथली ला सकते हैं। तो अब इनमें बात करते हैं कि शेड की बात करते हैं। अगर आप 5 गायों के लिए शेड बनाना चाहते हैं, हमने ये जुगाड़ शेड बनाया है, नीचे पत्थर के पाइप ये खंभे खड़े किए हैं और उसके ऊपर पाइप डालकर हमने बांस डालकर बांस के ऊपर कार्टून डाले हैं और उसके ऊपर हमने प्लास्टिक की पन्नी डाली है और ऊपर ग्रीन नेट डाली है। तो ये हमने सस्ता शेड बनाया है। अगर इस तरह का अगर आप शेड बनाते हो तो 15 से 20 हज़ार में इस तरह का आपका शेड तैयार हो जाएगा। हमारे भी फर्श कच्चा है। अगर आप फर्श पक्का रखोगे और अगर इस शेड की जगह अगर आप टीन शेड वाला शेड बनाओगे तो आपके समथिंग 1 से लगाकर 1.5 लाख रुपये का खर्च आएगा 5 पशुओं के लिए। ये तो हो गए शेड की बात, 1 से लगाकर 1.5 लाख रुपये 5 पशुओं के लिए। कम से कम आपको 50 हज़ार रुपये का सूखा चारा पहले स्टोर करना है, तो समथिंग 2 लाख रुपये हो गए हैं। और अब बात करते हैं कि पशु लाओगे उसमें कितना खर्च आएगा। अगर आप एक अच्छे नस्ल की गाय या भैंस लाते हो तो वो अलग अलग दूध पर डिपेंड करती है कि कितना दूध दे रही है, उस पर उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। तो 50 हज़ार से लगाकर 1 लाख रुपये तक आपको एक पशु मिलेगा। अच्छे नस्ल का पशु लाओगे तो महंगा मिलेगा और अगर कम दूध देने वाला पशु लाओगे तो वो सस्ता मिलेगा। तो इस प्रकार पशुओं की कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। अगर आप 5 पशु लाओगे और 80 हज़ार रुपये का एक पशु है तो 4 लाख रुपये पशु के हो जाएंगे और 2 लाख रुपये खर्च शेड पर और सूखे चारे पर हो गए थे, 6 लाख रुपये खर्च हो गए। इसके अलावा 50 हज़ार रुपये अन्य खर्च और भी जोड़ सकते हो, जैसे लेबर का खर्च और इत्यादि, ट्रांसपोर्ट वगैरह इत्यादि खर्च जोड़ सकते हैं। तो 5 पशुओं के लिए लगभग अगर आप एक डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको 6 से लगाकर 7 लाख रुपये की कॉस्ट आएगी। लेकिन ये कॉस्ट अलग अलग हो सकती है आपके शेड के डिज़ाइन के हिसाब से और आप पशु कितनी रेट पर ला रहे हैं, और इस हिसाब से ये कॉस्ट कम ज़्यादा हो सकती है। पशुपालक साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको पशुपालन से तथा खेती से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे।